भाई मेरा ना चलान कट गया, मुझे इन स्टिकर को उठाना पड़ा भाई, निकाल के फेंकना पड़ा। और वो रीजन क्या मैं बता रहा हूँ भाई, कीचड़ के छींटे इन चीजों के ऊपर पहुंच कैसे जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाइक देख सकते हो तगड़ी तरीके से गंदी हो गई भाई। इस जगह पर ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का लोगो था, उसके बाद यात्रम लिखा हुआ था। आप अपने गाड़ी को ऐसा कुछ भी ज्यादा मॉडिफाई मत कीजिए, अगर आप चेकिंग में फंसते हो तो बिल्कुल यार आपके गाड़ी के ऊपर कार्रवाई होगी, चलान कटेगी भाई, बहुत लंबा चलान कट सकता है। वैसे मैं अपनी बाइक क्लीन एंड ल्यूब करने के लिए कंगारू के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। ऐसे जो भी लोग अपने कास्ट एंड रिलीजन को लिख रहे ना, जो भी अपने गाड़ी बाइक पर ऐसा स्टिकरिंग चिपका रहे ना, उन सारे लोगों के ऊपर ना एक्शन ली जा रही है और चलाने कट रहे हैं। जो एलॉय है ना भाई, ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है यार, और जितना भी घिसो एक मतलब पता नहीं किस टाइप का एक लेयर जो है ना बैठ ही जाता है भाई। बाइक दोनों बैठा था, करंट चली गई, सब कुछ रेडी कर लिया, बाइक को बाहर निकाला था, पाइप वाइप देख सकते हो, मोटर की पाइप बाहर निकाली थी, और यहाँ देख सकते हो शैम्पू वगैरह सब कुछ रेडी था भाई, ब्रश भी रेडी था। ब्रश इसीलिए रेडी था कि मतलब इसकी जो एलॉय है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है यार, और जितना भी घिसो एक मतलब पता नहीं किस टाइप का एक लेयर जो है ना बैठ ही जाता है। उसके बाद भाई ये साफ ही नहीं होती, और ये किस लिए होता है मैं बता दूं, जब भी मैं चेन ल्यूब इन क्लीन करता हूं ना तो उनके जो छींटे हैं ना इस पे लगते हैं और इन जगहों पर लगती है और वो साफ नहीं होती। और मैंने कार वॉश सेंटर पर जाकर ना इसके ऊपर डीजल वॉश भी किया था, बट उससे भी कोई काम ही नहीं बना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज घर में रगड़ रगड़ के धोएंगे। वेल तो कैसे यात्रा बिछाने वाला, फिर से स्वागत है वीडियो में। और भैया आज जो है ना एक बहुत ही सीरियस मैटर में बात करने वाला हूं कि भाई मेरा ना चालान कट गया, और चालान भाई किसके ऊपर कटा है बता दूं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते तो आपको पता होगा कि यहां पर मेरे स्टिकरिंग था। अगर आप मुझे बहुत टाइम से देखते हो या फिर मेरे मोटो व्लॉगिंग के वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बाइक में इस जगह पर ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का लोगो था, उसके बाद यात्रम लिखा हुआ था, सेम भाई इस साइड भी था, और उसके बाद यहाँ था स्कॉर्पियन लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ था यात्रम, और ये देख सकते हो स्क्रैचेस। मुझे इन स्टिकर को उठाना पड़ा भाई, निकाल के फेंकना पड़ा, और वो रीजन क्या मैं बता रहा हूँ, देखो इस साइड भी था। तो मतलब मेरा ना चलान कट गया 500 रुपये का, स्टिकरिंग इसलिए कि मतलब वो जो रिलीजन को लेकर के जो ना अभी एक बहुत ही तगड़ा एक चेकिंग चल रहा है, पुलिस रोक रही है, कोई हिंदू लिख रहा है, कोई गुज्जर लिख रहा है, कोई अपना मतलब सरदार लिख रहा है, सिंह लिख रहा है, मतलब ऐसे जो भी लोग अपने कास्ट एंड रिलीजन को लिख रहे ना, जो भी अपने गाड़ी बाइक पर ऐसा स्टिकरिंग चिपका रहे हैं ना, उन सारे लोगों के ऊपर ना एक्शन ली जा रही है और चलाने कट रहे हैं। रिसेंट जो लास्ट वीडियो आपने देखा था ना, उस वीडियो को शूट करके जैसे हम घर वापस आ रहे थे ना, बीच रास्ते में हमें पुलिस चेकिंग मिली, मुझे लगा था कि नॉर्मल चेकिंग होगी, मैंने पहले सब कुछ दिखा दिया, लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ जो भी उन्होंने मांगा, मतलब लाइसेंस मांगा, आरसी मांगा, पोल्यूशन एवरीथिंग जो था मैंने सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने एक बार बाइक को ऐसे मतलब एक चक्कर लगा करके देखा, मैंने सोचा कि बाइक के बारे में तारीफ करेंगे, उसके बाद बताया कि भैया ये जो स्टिकर है इसके ऊपर आपके चलान कटेगी, मैं चौंक गया। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई चालान क्यों कट रही है, तो वो बता रहे कि भाई मोटर व्हीकल कौन सा एक्ट बताया था उन्हें पता नहीं, आप बाइक के ऊपर कोई भी स्टिकरिंग नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि मैं तो यूट्यूबर हूँ, वो बता रहे यूट्यूब कुछ नहीं होता, आप अगर रैपिंग करते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करते हो ना तो आपके ऊपर चालान कटनी है, 2000 तक का चालान कट जाता है। उसके बाद तो भाई मेरे तो अंदर के सिस्टम हिल गए हैं, मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, अगर आप अपने बाइक के ऊपर स्टिकरिंग कर रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ। मेरे भाई कट गई यार 500 रुपये की चलान कट गई, 1000 रुपये बोल रहे थे वो तो यार 2000 तक की चलान की बात कर रहे थे, फिर मैंने यार 500 का चलान कटवाया, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने भाई, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं माने और मेरा भाई चलान कट गया। तो आप भी अपने गाड़ी बाइक में स्टिकरिंग मत कीजिए, रैपिंग मत कीजिए, आप थोड़ा बचा के रखें गाड़ी को, आप अपने गाड़ी को ऐसा कुछ भी ज़्यादा मॉडिफाई मत कीजिए, अगर आप चेकिंग में फंसते तो बिल्कुल यार आपके गाड़ी के ऊपर कार्रवाई होगी, चलान कटेगी भाई, बहुत लंबा चलान कट सकता है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, मैंने दे दिया, बाकी भाई यही स्टोरी, चलान कटेगी अगर आप स्टिकरिंग मॉडिफिकेशन, ये मिरर अगर नहीं होते ना इसके ऊपर भी चलान कटते, इंडिकेटर नहीं होते तो उसके ऊपर भी चलान कटती है। वो तो ये बता रहे थे कि बिना रीजन में अगर आप हैजर्ड जलाकर चलाते हो ना तो उसके ऊपर भी चलान कट सकती है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं ना, बहुत नए नए रूल्स बन रहे, तो थोड़ा मतलब हमें ध्यान देना पड़ता है। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन था आपको शेयर करना था, बाकी बाइक देख सकते हो तगड़ी तरीके से गंदी हो गई है भाई, इसको भाई जैसे भी आज धोना ही है भाई, हालत देखो इसका बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। बाकी इस साइड दिखाऊं तो एक ही हाल है, सबसे ज्यादा बुरा बैक साइड का होता है, उसके बाद इस जगह पर ये पोर्शन सबसे ज्यादा गंदा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि इसके जो कीचड़ के छींटे हैं, यहां तक तो समझ में आता है भाई, कीचड़ के छींटे इन चीजों के ऊपर पहुंच कैसे जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब भाई N160 लेना तो भाई गुनाह ही हो गया, अगर आप बारिश के सीजन में चलाते तो भाई आपकी बाइक एकदम बर्बादी गंदी हो जाएगी, इतनी गंदी होगी ना आप बिना धोए अपने बाइक को रख ही नहीं सकते। नहीं नहीं बाइक है 4-5 महीना पुराना ही तो है, ऑब्वियसली यार धो के रखना पड़ता है। सो अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं, बाकी यहाँ शैम्पू वैम्पू सब कुछ कर दिया, जाते हैं मोटर का स्विच ऑन करते हैं, पाइप देख रहे हो नीचे, बस देख धड़ा कर ये भाई मोटर को स्विच हो गई ऑन, चलो, चलो चलो पानी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, चलो भाई
पानी जा रही है, ये भाई पानी निकल गई, तब धोना शुरू करते बाइक को। ओ भाई अपने N160 में तगड़ी शैम्पू वैम्पू हमने मार दिया, बस अब चमकाने के लिए पानी मारने की जरूरत है। तो इसको फटाफट अभी साफ करते हैं, उसके बाद फिर से आपसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप दैट इज इन क्लीन एंड ड्यू वाला। वेल तो बाइक अपनी धुल चुकी है और इतनी चमक रही है ना भाई साहब, अभी अभी धुल के आई है, एक भी कीचड़ का कतरा नहीं भाई, एक भी डस्ट नहीं, पूरा पूरा क्लीन भाई, टोटल क्लीन भाई। अभी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी जस्ट शोरूम से निकाला हो, इतनी चमक रही है भाई। एक बात लेकिन पल्सर N160 की माननी पड़ेगी, भले ही ये गंदी होती है बट जैसे आप इसको धोते हो ना वो शाइन फट से इसकी चली नहीं जाती, बाकी बाइक्स की बहुत जल्दी चली जाती है। इसको आप जितना भी रगड़ के धो भाई इसकी शाइन बरकरार रहती है भाई। अभी भी देखो ना यार, शोरूम से निकाली हुई कंडीशन में भाई इतना चलाया, इतना रफ चलाया, इतना ऑफ रोडिंग किया। मैंने सोच के रखा है भाई नॉर्थ ईस्ट के इस बार बहुत खतरनाक खतरनाक टेरेंस में, खतरनाक खतरनाक रास्ते में मैं जाने वाला हूँ, सोच के तो रखा है। अगर उन रास्तों में जाता हूँ तो सोचो भाई इसकी क्या हालत होगी बेचारी। इसको बनाया था कंपनी ने वैसे तो स्ट्रीट रेसर या फिर नेकेड स्पोर्ट्स कह सकते हो, बट इसको हम लेकर के भाई ऐसे ऐसे एडवेंचर करने वाला ना। बजाज की बाइक्स की शान वैसे ही बड़ी हुई है, साथ में हम भी चार चांद लगा देंगे N160 को लेकर के, जो कि फर्स्ट N160 बनने वाली है जिसने खतरनाक टाइप की ऑफ रोडिंग करी हो भाई। ऐसा मैं रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, सोच के रखा है 2024 भाई डेंजरस बनाने वाला हूँ। 2024 में भाई ऐसे ऐसे व्लॉग्स, ऐसे आतंक मचाने वाला हूँ ना यूट्यूब में भाई N160 को लेकर के, आपने सोची ना होगी भाई, तगड़ी तगड़ी राइड्स आ रही है भाई। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, कमेंट करो ताकि एंगेजमेंट बढ़े। कमेंट करो यार भाई के वीडियो में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा, व्यूज आएगा, भाई भी ग्रो करेगा भाई, आप सबके लिए सॉलिड कंटेंट लाएगा। वैसे मैं अपनी बाइक क्लीन एंड ल्यूब करने के लिए कंगारू के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, जो कि आपको अमेजन में आराम से मिल जाएगी। 500 ml विथ दिस ब्रश, जो कि 500 से 550 के अंदर आपको मिल जाती है। तो चलो अभी देर नहीं करते हैं, फटाफट आपको कार्यक्रम दिखा देते हैं। पहले अपनी चेन की हालत देख लो, चेन की हालत वैसे तो इतनी बुरी नहीं है देख सकते हो, बट फिर भी यार काफी टाइम हो गया, 400 से 500 किलोमीटर चल चुकी है, चेन लूज भी है। तो मान लो 5,900 ना, तो 6,400 में आपको एक बार फिर से चेन क्लीन एंड ल्यूब करना पड़ेगा। तो बस गाइस इस वीडियो में एक चलान का टॉपिक था, मुझे कवर करना चाहिए था। मैंने सोच के रखा था कि किसी एक वीडियो में बोलूंगा, बट मैंने ऐसे बोलूंगा मुझे नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, आपको पता होगा यहाँ पर मेरी स्टिकरिंग थी, चैनल की ब्रांडिंग नेम थी, सब कुछ था, वो मुझे हटाना पड़ा, चलान लगा मेरा। दूसरी भाई मैं कौन सा चेन क्लीन एंड ल्यूब यूज करता हूँ, मुझे कॉमेंट आया था, 2-3 बंदों ने कॉमेंट पूछा था, आप सबकी कॉमेंट की मैंने लाज रखती भाई। क्लीन एंड ल्यूब कंगारू का है, आप अमेजोन पर जाकर के खरीद सकते हो। तो बस यार बताना इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, भाई तक कोई बात पहुंचा नहीं हो तो कमेंट करना, कमेंट सबसे बेस्ट जरिया है, तुम्हारा भाई हर एक कमेंट का रिस्पांस करता है, हर एक कमेंट पढ़ता है। तो बस इसी के चलते इस वीडियो में मेरे एंड कर रहा हूं, मिलेंगे आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने चारों ओर साफ सफाई रखिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 4000 सब्सक्राइबर्स हिट होने के बाद मैं एक सरप्राइज दूंगा, शायद उससे पहले भी हो सकता है, तो वो कौन सा है आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सही गैस करते हो ना तो एक और सरप्राइज आपको मिलेगा उसी वीडियो में। तो बस मैंने बता दिया, आप बताओ यार कौन सा सरप्राइज हो सकता है, वो चीज मोटो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो आप खुद बताओ वो कौन सी चीज हो सकती है। तो बस इसी के चलते इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहीं पर, मिलूंगा आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने चारों ओर साफ सफाई रखिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, राम राम सारे आने।